हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सिक्स क्लास का आईआईटी का चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा अमेजिंग एयर। अमेजिंग एयर, एयर को अमेजिंग कहा गया, अद्भुत कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक तरीके से सभी जीवों के सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। बिना एयर के हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे के कारण है, वो हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं, जिसको कह देते हैं हम हवा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस का क्या होती है, मिश्रण होती है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग गैसेस मिलके एयर की कंपोजिशन करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 प्रेजेंट है, नोबल गैसेस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप की अदर गैसेस मिलके, बहुत सारी गैसेस मिलके और किसकी फॉर्मेशन करती है बेटा, एयर की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर अब एयर के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो एयर नो डेफिनेट फॉर्मूला, कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, या यूं कहे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन अलग अलग एयर गैसेस की अलग अलग होती है और कंपोजिशन भी बदलती रहती है। नो या नो फिक्स कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब जिनसे वो मिलकर बनी है। जैसे कि चाय की बात करें तो चाय के अंदर मान लो एक कप जो दूध लिया, उसके अंदर एक चम्मच हमने जो शुगर है, चीनी है, वो डाली है, और 1/4 जो स्पून रहेगी, चम्मच रहेगी, वो हमने मान लो टी है वो डाली है, ठीक है। इस टाइप से वो एक कप चाय तैयार होगी, उसके लिए लगभग फिक्स कंपोजिशन है वहाँ पर। लेकिन एयर के अंदर क्या होगा भाई, नाइट्रोजन, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें, नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेज भी, तो इसको एयर बोल दिया गया। अगर ये ऑक्सीजन हो और ये नाइट्रोजन हो तो भी इसको क्या बोलेंगे, एयर, क्योंकि फिक्स कंपोजिशन नहीं है। इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, नॉट अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग गैसेस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब कौन सी गैस उसके अंदर ज्यादा मिली हुई है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मान लिया हमने 5 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का मान लिया है कितना हमने, 5 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का है मान लो हमने मान लिया है यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, और ये 90% है अमाउंट में, ये 10% है, तो अप्रोक्स में क्या मिलेगा, 5 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा उस एयर का जिसके अंदर ये मिक्सर मिले हुए हैं। और अगर ये 90% हो गई और ये 10% हो गई, तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के करीब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। रिटेनेशन मतलब कि प्रॉपर्टी, जो भी गैसेस वहां पर मिली हुई होंगी उनकी फिक्स प्रॉपर्टी होगी, वो अदर गैसेस उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, मान लो 90% है, और ऑक्सीजन है 10%, तो वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन नहीं बदलेगी, वो अपनी प्रॉपर्टी है वो गेन करके रखेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एयर के अंदर जो एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, प्रॉपर्टी, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, फिक्स कंपोजिशन नहीं है तो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी वहां पर फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अराउंड में क्या है, एयर की लेयर है, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं बेटा हम, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए हेल्पफुल भी है, कैसे है,
जैसे कि ये हो गई अर्थ और ये यहाँ पर इसके पास है अराउंड एटमोस्फियर, यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। अर्थ के सरफेस की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, 78% नाइट्रोजन है, 21% के अप्रोक्स ऑक्सीजन है, ठीक इस टाइप। अब क्या करता है, एक तो सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करवाएगा, ये मेन काम क्या रहेगा इसका, टेम्परेचर को मेंटेन करवाना। सन से जो रेडिएशन आती है, यूवी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, विजिबल लाइट आती है, वो अगर सारी अर्थ तक पहुंच जाएगी तो अर्थ सरफेस इतना हीटअप हो जाएगा कि यहाँ पर लिविंग बींग्स नहीं सर्वाइव कर पाए। अगर इसने ब्लॉक करने का काम किया, दूसरी चीज अगर सारी ही ब्लॉक कर देगा तो अर्थ सरफेस इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पर फिर से नहीं रहा जाएगा, ठीक है, कम टेम्परेचर के कारण से, लो टेम्परेचर के कारण से। तो ये क्या करता है, यहाँ क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब भी करेगा ताकि नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर बना रहे, लगभग 90% के अप्रोक्स वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एवरेज टेम्परेचर बना के रखता है जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। और मेन तो सर्वाइवल का काम है इसमें, जो रेस्पिरेशन में जो गैसेस काम आती हैं, फोटोसिंथेसिस में गैसेस काम आती हैं, वो तो है यहाँ पर। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है 78%। फिर बात करें उसके बाद तो अपने पास रहेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी रहेगी अप्रोक्स 21%। और फिर है अपने पास नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कितनी रहेगी अप्रोक्स 0.993% के करीब रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ये रहेगी बेटा अप्रोक्स अपने पास 0.03%, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम आती है, नाइट्रोजन क्या काम आती है, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या काम रहेगा, क्या कंबशन में हेल्प करेगा कि नहीं, कलर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, और इनकी स्मेल ऑर्डर कैसी होती है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट में। आपको यहाँ तक स्टडी करना है, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना है। थैंक यू।